इन्होंने धारा हटा दी लेकिन आज भी सौ दिन से ऊपर हो चुके हैं कश्मीरी पंडित स्ट्राइक पे बैठे अपनी जान की सुरक्षा की भीख मांग रहे हैं लेकिन ये चुप बैठे इन्होंने वादा किया था ना जब धारा हटेगी तो कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे कितने वापस गए जो वहां रहते हैं उनकी भी सुरक्षा नहीं कर पाए आज भी टीचर मारे जाते हैं कश्मीरी पंडित हर रोज मारे जा रहे हैं और वो बैठे है उनको एक कमरे के अंदर बंद कर दिया गया जब उन्होंने कहा कि हम खुद छोड़ के जा रहे हैं आप हमारी मदद नहीं कर रहे तो वहां पर कैंप के अंदर बंद कर दिया ये तो हालात कश्मीर के हो गए ऐसे हालात हमारे

कि उसको अभी खाली छोड़ दिया जाए कई सरकारों ने कोशिश करी फिर जो वो प्रतिमा वहां के लिए बनी थी गांधी जी की जिसमें गांधी जी बैठे हुए हैं उसको पार्लियामेंट के बाहर रख दिया गया बहुत अच्छा मैं कहती हूँ बहुत ही अच्छा कदम है कि इन्होंने तो आखिरकार माना कि नेताजी बोस जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे उस वक्त उनका विरोध किया लेकिन आज तो उनकी फोटो लगाई सच में देश बदल रहा है और हमें बहुत खुशी है सतपाल मलिक जी जो देश के गवर्नर है आप जानते हैं उन्हें देश में है और गवर्नर है देश के एक आप ही के नेता है उन्होंने क्या कहा मोदी जी तो हर तीन दिन में फीता काटने चले जाते हैं कुछ नहीं मिला तो नाम बदल दिया क्यों सुधांशु जवाब देखिए जो नाम बदलने की बात है वो बता बता रहा में हुआ हुआ और 68 तक क्यों हुआ? ये भी आपको फैक्ट बता दूं उस समय तो इनको ही पता होगा समाजवादी आंदोलन और जनसंघ कांग्रेस पहली बार सत्ता से बाहर हुई थी अनेक राज्यों में सड़सठ सड़सठ में जनसंघ के सैतीस एमपी जीत के आए थे और सोशलिस्ट पार्टी मिलके ऐसा लगा था कि अब मामला खड़बड़ा गया उसके बाद बदलने की बात आई थी और भी आपको बात बता दू या आपने लोहिया अस्पताल सुना है लोहिया अस्पताल का नाम कब बदला गया पहले नाम था विलिंगडन हॉस्पिटल और कब चेंज हुआ 1977 में यानी 77 तक लॉर्ड विलिंगडन के नाम पर रहेगा इरविन हॉस्पिटल का नाम जयप्रकाश नारायण अस्पताल कब हुआ सतहत्तर में जब मोरारजी की सरकार आई मगर नाम बदलने में कुछ नहीं रखा है पर कनाट प्लेस में राजीव चौक है फिर इंदिरा चौक है फिर ये चौक है उसमें बदलने में सारी की बातें ठीक है मगर नेता और ये देखिए ये हमसे सीनियर हैं इन्हें निश्चित रूप से पता होगा जब सतर मुरार जी की सरकार आई तो क्या हुआ कि बहुत बार सरकारें जमीन में ताम्रपत्र गड़वाती हैं ताकि कभी सभ्यता समाप्त हो जाए और कभी सैकड़ों साल के बाद कोई दूसरी सभ्यता आए तो निकाले ताम्रपत्र जब निकलवाए गए तो उसमें गांधी से ज्यादा नेहरू की प्रशंसा थी नेहरू से ज्यादा इंदिरा जी की प्रशंसा थी और सुभाष चंद्र बोस जी का उल्लेख सिर्फ एक लाइन में था इनको अवश्य याद होगा उस समय मुराजी की सरकार में बहुत बड़ा मुद्दा बना था कितना सम्मान किया सुभाष बोस जी का और वो वाक्य भूल गए उन्नीस हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन गांधी जी ने कहा पट्टा भी रमैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार होगी मगर इसके बावजूद पट्टा भी रमैया को हराकर कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बन गए तो कांग्रेस के अंदर मैं किसी के प्रति नहीं व्यक्त करना चाहता पर कांग्रेस के अंदर सुभाष बोस ज्यादा लोकप्रिय थे या गांधी जी या उनतालीस का चुनाव बता। सवाल ये रहा कि आ, नेशन फर्स्ट फर्स्ट सत्ता बात चल रही है लेकिन हम हमको अभी नहीं लगा कि आप लोग नेशन फर्स्ट सत्ता फर्स्ट, फर्स्ट बातें कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कहा से इतिहास तो अच्छे खासे पढ़ के आप लोग आ चुके हैं और इतिहास के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें और अच्छी बातें फैक्ट आप लोग बता रहे हैं सही है लेकिन वर्तमान में ध्यान दिया जाए कि देश में क्या हो रहा है देश में भी क्या चल रहा है सवाल यह है बीजेपी से अगर सवाल यह रहेगा कि आप हम ये बताइए कि आप एक जगह पर आप मानते हैं कि बीजेपी के आने से राम राज्य आ गया है तो राम राज्य है, है सब कुछ बेहतर हो गया अब हमने परिवर्तन की शुरुआत की है इसीलिए अमृत काल शुरू हुआ है अगर हम अब बता रहे हैं इतना बड़ा परिवर्तन है परिवर्तन क्या है मैं बताना चाहता हूं अपने युवक को यह बताइए जिस समय हमारी सरकार नहीं थी 2014 से पहले याद करिए दिल्ली में धमाके होते थे बंबई, जयपुर नागपुर गुवाहाटी लखनऊ बनारस बेंगलोर चेन्नई हैदराबाद चलती ट्रेन में धमाका चलती बस में धमाका रेलवे प्लेटफॉर्म पे लिखा रहता छूना नहीं बम विस्फोट हो जाएगा उसके बाद अफज, अफजल हालात का मारा था उसके बाद याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग थी उसके बाद हाफिज़ साहब था ओसामा जी था जाकिर शांति का मसीहा था इशरत जहां बेटी थी अब ऐसा कुछ दिखता है ये शुरुआत है बदलाव की कम से कम सबसे पहले सुरक्षा का आभास तो होना चाहिए अब ना ऐसे पोस्टर दिखते हैं ना ऐसे धमाके अब दक्षिण कश्मीर के चार जिलों तक उसको हम सीमित करने में सफल हुए हैं और आने वाले समय में जी, हम जी, पर, जी, पर भी प्रभावी नियंत्रण लाने में सफल होंगे और एक मिनट एक मिनट पूरी पूरी बात पूरी बात और अभी एक हफ्ता पहले हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं और एक हफ्ता पहले ये बड़ी बात पहले विमानवाहक युद्ध पोत को स्वदेशी रूप में निर्मित कर उसका जलावतरण करने की क्षमता हासिल की जी जो उन्होंने सवाल पूछा सुधांशु जी बड़ी चालाकी के साथ घुमा गए उसे उन्होंने कहा आप दावा करते हो कि रामराज आ गया इन्होंने कहा कि नहीं अभी आया नहीं अभी आया नहीं है मोदी जी ने रामराज आने की तारीख अगस्त दो हजार तक कर रखी थी अगस्त 2022 तक सारी समस्या राम राज्य का सबसे पहले बात किसने की थी भारत, थी भारत मैं आपके बीच में नहीं बोला बिल्कुल सबको घर मिल जाएंगे ये विजन नहीं सब है सबको पक्के घर मिल जाएंगे स्मार्ट शहर बन जाएंगे किसान की आय दुगनी हो जाएगी सबको रोजगार मिल जाएगा पेट्रोल 35 रुपए लीटर हो जाएगा रुपए की कीमत डॉलर के बराबर हो जाएगी अब इन्होंने तारीख बढ़ा दी अब दे रहे हैं 1947 की तारीख सॉरी 2047 की अब 2022 से बढ़ा के दो हजार सैतालीस में चले गए इन्हें वोट देते रहे तारीख आगे बढ़ाते जाएंगे अच्छा और देश को कंगाल करते वैसे जाएंगे। मैं एक भी हमारे भी। लिए तो देश ही परिवार है वो गांव में है कि बहु घर तेरा कोठी कुठला के हाथ मत लगाना जैसे एक मामले में तो रामराज जा गया उनकी पार्टी कहती थी बाकायदा बतौर प्रधानमंत्री राव ने कहा था कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाएंगे इनके मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करवाएंगे अब दोनों करने लगे हम राम मंदिर के साथ थे। थे 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 थे। उसका कारण जानते हैं जब उन्नीस सौ तिरानबे का यूपी का चुनाव हुआ ढांचा गिरने के बाद का तो हम सबसे बड़े दल थे मगर सपा बसपा कांग्रेस आई तीनों मौसेरे भाइयों ने मिलकर सरकार बना ली थी तब एक नारा चला था मिले मुलायम गए जय श्री राम उस समय हमारी एक नेत्री ने कहा था कि एक केवल एकता की शक्ति में थोड़ी कमी है जिस दिन एकता दिखेगी उस दिन क्या मुलायम क्या काशीराम सारे बोलेंगे जय श्री राम और आप देखिए बोलने सब तैयार शुरुआत है इश्क है रोता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या जी 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 मेरा छोटा सा सवाल सुधांशु जी से है कि हम बात कर रहे हैं कि हमने गुलामी की सब जंजीरें मिटा रहे हैं पर एरोप्लेन के ऊपर एक शब्द लिखा होता है वी जिसको मेरे को ऐसा पानू पड़ा है कि वाइस टेरिटरी तो उसको इंडिया के हिसाब से या बहुत पूछा जाएगा बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है जरा आपके लिए बहुत अच्छा सवाल है ये मेरे मन का भी सवाल है कब वो वीटी हटेगा हम आजाद देश है ये वॉइस टेरिटरी नहीं है जैसे राजपथ अब कर्तव्य हो गया है वैसे वीटी भी हटना चाहिए आ, बिल्कुल आपने सही बात कही है वीटी का टेक्निकल बेस क्या है और किस आधार पे बना है इसकी तकनीकी जानकारी मेरे नहीं है परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि यदि यह गुलामी की निशानी है तो मोदी जी की सरकार रहते हुए जैसे एक एक करके सब निशानियां समाप्त हो रही हैं और

लेकिन मोदी और योगी है कि हारते ही नहीं बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद उन्हें हमारी और हमारी पार्टी की इतनी चिंता है जी। लेकिन अब थोड़ा सा... <laughs> थोड़ा सा सा अपडेट रहो अभी आप जानकारी करोगे तो अखिलेश यादव रोजाना घर से निकल रहे हैं रोजाना किसी न किसी जिले के दौरे पे हैं, रोजाना जा रहे हैं और हम चौबीस महीने हरा देंगे चिंता मत करो जी अजय लोग राहुल जी भी सड़क पर आ गए हैं और अखिलेश जी भी सड़क पर घूम रहे हैं सुनिए सुनिए अरे भैया ना अपना गढ़ बचा यानी आजमगढ़ ना आजम का गढ़ बचा आप भैया हरा देंगे बाप में मारी मेड़ी भी उन्नीस सौ तैतालीस सीटें हारे थे आप उन्नीस सौ चौरासी में पांच सौ तैतालीस

हम वोट परसेंट के हिसाब से कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी पार्टी थे हमारा साढ़े नौ परसेंट वोट था ना जो आपकी पार्टी का था ना किसी और का था जाके चेक कर लीजिए उसी जी, आधार पे हम साढ़े उन्नीस परसेंट वोट के साथ अगली बार 120 की छलांग मारे छियासी की छलांग मारे थे फिर उसके बाद 120 की छलांग मारे थे, फिर की थे। बोला बोला रहे। पार्टी वोट देखो सुधार

क्या आपको लगता है कि वाकई मजबूर कर दिया नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को पांच महीने देश में रहने के लिए डेढ़ सौ दिन छत्तीस सौ किलोमीटर की पद यात्रा डेढ़ सौ दिन छत्तीस सौ किलोमीटर की पद यात्रा आज तक किसी भी पोलिटिकल पार्टी में नहीं करी है उस वजह से इधर तो से तो कोई खुद के बोल दीजिए

आपस में सटत ना कोई अब विपक्षी बोली थी कि सब अपना चूरा जला रहे हैं लेकिन हम रोटी साथ खाएंगे नरेंद्र मोदी को हराएंगे विपक्ष का एक ही नारा है इस पर किसी का सवाल है कोई पॉइंट तो मायावती अपना कर रही है और उधर ममता बनर्जी अपना कर रही है और इधर केजरीवाल जी अपना कर रहे हैं ऐसा इकट्ठा आप कैसे करेंगे okay. जबकि हमारा घर इकट्ठा नहीं है आपने एक मिनट पहले कहा है कि जब कोई भी डूबता है तो अपने जो पुराने वाले वो पहले भागते हैं लेकिन मैं आज ये कहूँगा गुलाम नबी आजाद ने या मिस्टर सिब्बल ने पचास पचास साल इसको दिए जब आप हम शायद नहीं थे सिब्बल अगर इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे हो गए अगर इकट्ठे अगर वो कह रहे हैं आप इकट्ठे हो गए तो आप वोट दे देंगे सबको दुआएं करेंगे जी आप हो तो सही दे आप। देंगे आप पक्का देंगे चिंता मत करो आप एक हो जाएंगे आज भाई ये पब्लिक वोट करे अगर ये सब इकट्ठे हो गए मोदी को लाने के लिए तो वोट करेंगे नहीं हैं एक सेकंड जी जी ओके जी जी नहीं, नहीं, आप वो वोट उन्होंने सवाल पूछा से, से वोट करेंगे इससे पहले आपको बताना पड़ेगा आपका प्रधानमंत्री कौन होगा आप आप इसके लिए आपको भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री घोषित हाँ, करने के लिए भारत का संविधान प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करता भारत का संविधान 545 एमपी का चुनाव करता है

इन्होंने इन्होंने अभी बोला इन्होंने बोला कि देखिए ये भारत के संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ बिल्कुल ऐसा नहीं लिखा हुआ सही कह रहे तो राजकुमार बात तो बोला अखिलेश जी सीएम बनेंगे जब आरजेडी बिहार के चुनाव में उतरी तो बोला तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे कांग्रेस से आज कल परसों दस साल पहले पूछ लो पांच साल आगे पूछ तो बोलेंगे राहुल जी पीएम बनेंगे एक पॉइंट एक कैसे होंगे अगर ममता बनर्जी के साथ आप आएंगे तो अधीर बाबू कहते हैं कि ममता बनर्जी से गड़बड़ कोई व्यक्ति नहीं है अरविंद केजरीवाल के साथ आप आएंगे अरविंद केजरीवाल ने आपकी पार्टी को दिल्ली के अंदर निश्चित नूद कर दिया पंजाब में आपकी लुटिया डुबो दी बताइए सबसे पहली बात तो ये जो आप कह रहे हैं कि राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे हाँ अब पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने लेकिन मैं फिर बता पार्टी पार्टी चाहती जनता जनता भी तो तो चाहे ना तो वोट देगी अगर कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी और दो बार इससे पहले भी आई और उससे कई बार पहले आई तो इसका मतलब देश की जनता यही रुकी यही रुकिए मैं अभी आपकी राजकुमार भाटी जी से पूछता हूँ कि वो राहुल जी को समर्थन देंगे भाटी जी राहुल जी अगर पीएम कैंडिडेट है जैसा कांग्रेस कह रही है तो सपा का समर्थन रहेगा 2024 में एक मोर्चा बनाएगा मजबूत विपक्ष का नेता मिलकर जिसे है आपने मेरे को बात कंप्लीट नहीं करने दी मैंने कहा कांग्रेस पार्टी चाहती है की हमारे नेता राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने लेकिन जब सारा विपक्ष इकट्ठा आएगा और मैं मानती हूँ की अरविंद केजरीवाल उसमें नहीं है क्योंकि जब सारा विपक्ष इकट्ठा होकर भाजपा के खिलाफ देश के प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिख रहा था और बता रहा था कि किस तरीके से ये लोग ईडी सीबीआई को दो हाथ की तरह इस्तेमाल करते विपक्षियों के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के मूवमेंट भी जम गई थी और वो घर बैठे हुए थे तो, तो मतलब अगर ये सब लोग डिसाइड करेंगे कि राहुल पीएम नहीं बनेंगे तो आप मान जाएंगे सारी सेक्युलर पार्टी जवाब सारी सेक्युलर पार्टी मिलके जो देश की एकता अखंडता और देश को आगे ले जाने का काम करेंगी वो मिलके तय करेंगे मोदी हार जाएंगे देखिए इसमें दो बात है पहली बात आगे वर्ड सेक्युलर सारी सेक्युलर पार्टी न विकास की बात करनी है रोजगार की बात करनी है ना अर्थव्यवस्था की बात करनी है सेकुलर की बात करनी है और एक बात बहुत साफ हो गई मोदी जी से लड़ पाए ना पाए आपस में जमकर लड़ लेंगे एक कहावत है कि मल्लन से मल्ल घनेरे बाहर ना तो घर में भतेरे जी 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 पब्लिक पब्लिक का पॉइंट पब्लिक आज पॉइंट दे रही है मैं सर आपके, इस तरफ भी मुझे जाना पड़ेगा आ, जैसे कि प्रियंका गांधी ये ना, नारा देती है कि बेटी हूँ लड़ सकती हूँ हाथरस में वो जाते हैं झारखंड कब जाएंगे झारखंड कब जाएंगे अंकिता अंकिता आप ही के शासन के अंदर अंकिता वहां पर अंकिता जो थी वो वहां पर जल के मर गई जी। और दुख की बात है मैं बड़ी वेदना के साथ ये बात कह रहा हूं मुख्यमंत्री का बेटा ये कहता है और आई एम सॉरी मैं इस शब्द को यूज कर रहा हूं मुख्यमंत्री का भाई ये बात कहता है मुख्यमंत्री का भाई कहता है कि हम तो दिल्ली आते जाते रहते हैं जी हम अपने अंडर गारमेंट खरीदने के लिए भी दिल्ली आते हैं अंकिता का इलाज के लिए दिल्ली नहीं है प्लेन या हेलीकॉप्टर आ सकता था लेकिन मुख्यमंत्री के भाई के अंडर को खरीदने के लिए आ सकता है ये शर्म की बात है आपके शासन के बिल्कुल अंकिता का इलाज होना चाहिए था और जो घटना हुई वो बहुत दुखद है उसका कोई तो पूछ रहे जी राहुल जी कब जाएंगे अब अब अमित जी आपको बहुत दुख हुआ उम्मीद करती हूँ जब प्रधानमंत्री पंद्रह अगस्त को कह रहे थे बेटियों का सम्मान करो और वही उनकी सरकार गुजरात में बिलकिस बानो के बलात्कारियों को एक तीन साल की बच्ची जो बिलकिस बानो की थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ उसके बाद उस बच्ची का सर पत्थर पर डाल के मार दिया गया उन लोगों को इन्होंने छोड़ा

आप अगर आप ही ऐसा बोलेंगे तो आप में बीजेपी में अंतर क्या रह जाएगा आप बिल्किस बानो का उठा दी केस आपसे अंकिता का सवाल पूछा गया तो दी 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 आप भी अंकिता का जवाब आपका लिए डालती बिल्कुल देखना चाहिए इंसाफ के लिए बुरा टीका नहीं देखना चाहिए तो के तो के लिए चार्टर्ड प्लेन जा सकता है लेकिन उस बच्ची के इलाज के लिए जा नहीं, के लिए के नहीं के जा के सकता के ये देश के लिए चिंतन की बात नहीं है ये देश के लिए शर्म की बात है देश में दे सबसे बड़े शर्म की बात है कि आप सब बिलकिस के बारे में बोलने से डरते हैं प्रधानमंत्री लाल किले पे कुछ, कहते, है। सर्थार सर्थार कुछ कहते हैं उनकी सरकार बोल रही है पिछले डेढ़ महीने से हमने भी चर्चा करी है मेरे सवालों पर बिलकिस के बारे में नहीं बोलेगा शर्मनाक हालात है इस देश के जब बच्चों के नाम पे न्याय का मिलेगा मैं कहता हूं अंकिता और बिलकिस के बारे में जो बात हुई वो जो भी है वो दुखद है परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कितना के बलात्कारी जेल में है अगर बलात्कार बलात्कारियों संस्कार दिखाई शरम आई और आपको देश से माफी मांगनी चाहिए आप अरे शर्म तो उसको आनी चाहिए जिस समय कश्मीर में कहा गया था हिंदुओं छोड़ के चले जाओ और अपनी और बलात्कार करके आरएसए काट दिया उनको लाकर प्रधानमंत्री आवास में बातें की जाती थी सम्मानित किया जाता था शर्म आनी चाहिए आप लोगों को उसके बारे में बात करते हुए अरे भाई इतना ही नहीं

संवेदनहीनता की प्रकाशा है देखिए मुझे कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि संसाधनों का पहला हक मुसलमानों का है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि इस तरह की बातें आ रही हैं और यही चीज देश देख रहा है पिछले आठ वर्षों से और यही बदलाव आया है मेरे दोस्त कि अब ये बातें सुनने को हम तैयार नहीं है और इस तरह के शासक को हम झेलने को तैयार नहीं है एक लाइन में बोलिए इनको अंकिता को इंसाफ देंगे कि नहीं देंगे अंकिता के बलात्कार अरे के अंकिता के बलंकार अंकिता के बलात्कारी को तो वोटर प्रोटेक्शन दी जा रही है वहां पे बिल्कुल इस्लामीकरण शुरू हो चुका है झारखंड में ये कोई नई बात नहीं है यही काम ये पूरे देश में करना जी 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 वह देखिए अंकिता के मामले के अंदर उसको जिंदा चला गया आप जो पहले सवाल पूछ चुके वो नहीं जिन्होंने नहीं पूछा वो अपना हाथ का आप पूछ चुके हैं पहले आपका पॉइंट बोलिए सर ये हमारे लिए शर्म की बात है कि अगर बीजेपी के राज्य में कोई घटना घटती है जैसा रेप की घटना हो कोई भी घटना हो तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ है बीजेपी के राज्य में हुआ अगर बीजेपी के राज्य में होता है तो कांग्रेस कहती है कि हमारे राज्य में नहीं हुआ सर ये हम इस क्या कहाँ पे किस और जा रहे हैं मिल के सर क्यों नहीं इस घटना पे साथ मिलकर इसे लड़ सकते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बिल्कुल आखिरी दौर में हूँ जो कुछ हुआ अंकिता के साथ वो बहुत दुखित बहुत जी जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना क्यों हो रहा है मैं बताता हूँ जब तक देश के प्रमुख नेता ये बोलते रहेंगे ना अरे लड़के हैं गलती हो जाती है तीन साल की लड़की को उठा के पैर पकड़ के पत्थर पर पटक के मार दिया उन्हें मिठाई खिलाते हो उन्हें माला पहनाते उनके पैर छूते हो उन्हें संस्कारी बताते हो और शर्म नहीं आती केवल एक डायलॉग पर टिप्पणी जी। अपनी गरीबान में नहीं देखते और ये जम्मू कश्मीर के अभी कश्मीर की बात कर, कर रहे थे कश्मीर में जिस समय सब कुछ हो रहा था उस समय गृह मंत्री गृह मंत्री अडवाणी जी थे जो कश्मीर गृह मंत्री मंत्री अडवाणी जी थे जनता दल की सरकार नहीं थी सौ नब्बे थी आपकी सरकार थी जनता दल या नहीं थे बीजेपी नहीं थे मेरा कहना बस यही है की आप सब एक साथ होके मोदी जी को हराना चाहते हैं आप सब राष्ट्रपति वाले चुनाव में हुए थे वो तो बात छोड़ दीजिए अभी आपने कोई मुहावरा बोला बहू का हम आपके लिए सब आप सबकी सभी पार्टियों के लिए बस एक चीज कहेंगे की आपको वही चाहिए की वर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम बस जी आपका यही काम मैं कहना चाहता हूं मोदी जी के लिए मैं मधुसे आज भी जीवन भर किया किया है किया नहीं विद्वंस विश्व का आजीवन निर्माण किया है और शूल भरे कर्तव्य पथ पर जीवन भर अभियान किया है किया नहीं विध्वंस बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आपका क्या नरेंद्र मोदी को सब मिलकर एक बार फिर हरा पाएंगे क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी ये कई सारे बड़े प्रश्न हैं लेकिन बीजेपी लेकर आई है कि राहुल गांधी गरीब की बात करते हैं चालीस